हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर। मैं हूं जया सर और आज मैं मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए मैथमेटिक्स का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। यदि आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हों, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड हों, CBSE हों या अदर स्टेट के बोर्ड के आप परीक्षार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में NCERT बुक के चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के जितने भी अति महत्वपूर्ण MCQ हैं उसका कलेक्शन किया गया है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़ के कहीं जाइए नहीं। और यदि आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो इन सभी प्रश्नों को बारीकी से समझिए। इनमें से अधिकांशतः प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 3 में से रूट कैंसिल नहीं हो पा रहा है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है सी, वहां से आप √3/√3 को कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए आपका सही जवाब होगा सी, √3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हो तो ए और बी का लसक, देखिए 2 अभाज्य संख्या, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं, इसलिए इसका लसक निकालना हो तो सीधे गुना कर देते हैं, इसलिए सही जवाब होगा सी यानी के ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लसक। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो 2 और 4 का लसक आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर। 65 और 117 का मसक, 65 माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा? तो अब देखिए 65 और 117 का आप मसा यानी HCF निकालेंगे तो ये आएगा 13। कितना आएगा HCF? 13। अब 65m-13 को 117 को 13 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसलिए आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 और उनका मसा 17 है तो उसका लसक क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं 2 संख्या के मसा और लसक का गुणनफल संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए LCM into HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो LCM निकालना है तो LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय HCF, यानी 8670 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका LCM निकल जाएगा और ये आ रहा है 510, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? यानी हमें अपरिमेय संख्या चूज करना है, परिमेय नहीं है। यहाँ -3.5 तो परिमेय है, 22/7 भी परिमेय है, √144 यानी 12 हो जाएगा ये भी परिमेय है। जैसा कि आप जानते हैं पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है तो यही परिमेय नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग। देखिए एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो उस पर आप जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी ऑपरेशन लगाएंगे सब अपरिमेय आएगा, इसलिए सही जवाब होगा आपका बी अपरिमेय। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पर, 2 लगातार संख्याओं का मसा, तो कोई भी 2 कंटिन्यूअस नंबर है, कंजिक्यूटिव नंबर है, लगातार है तो उसका मसा 1 आएगा, इसलिए सही जवाब होगा ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पाई कैसी संख्या है? तो अभी इस पर चर्चा हुई, पाई एक अपरिमेय संख्या है इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ए बराबर बी की जोड़ आर में आर का मान होगा, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे लिया गया है? जैसा कि हम सभी जानते हैं ए और बी 2 संख्या रहने पर क्यू और आर 2 और संख्या एग्जिस्ट करता है, जहां ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जिसमें आर जो है वह रिमाइंडर है और रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं होता, उससे छोटा होता है और रिमाइंडर 0 तक होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आर जो है वह 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और हाँ यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। द्विघात समीकरण है, यहाँ x² - 5x जोड़
8 इक्वल टू 0, इसके मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स जब निकालना है तो हम d का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 8 चौका 32, यानी माइनस में आ जाएगा d, इसलिए मूल जो होगा इसका अवास्तविक होगा। कैसा होगा मूल? अवास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, m के किस मान के लिए -4 बहुपद का एक शून्यक है। तो अब देखिए इस बहुपद का एक शून्यक -4 है, इसलिए जहां जहां x है वहां वहां आप क्या कीजिए, -4 रख दीजिए। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब -x है तो 16 × 4 = 20 हो गया, तो 20 बराबर हो जाएगा 2m + 2, यानी 2m बराबर हो जाएगा आपका 18, इसलिए m बराबर होगा 9, और इस तरह से आपका सही जवाब होगा d। यदि किसी एपी का 13 बराबर 5 और s 9, यानी 9 पदों का योग 75 है, तो a 9 क्या होगा। तो ये आप क्या करेंगे, पहले n का वैल्यू तो दिया हुआ है 9 है, d जो है वह 5 है, तो पहला पद निकालेंगे, और पहला पद निकालने के बाद जो है हम क्या करेंगे, a प्लस 8d करेंगे, नौवां पद निकल जाएगा, और इस तरह से आपको आएगा 85/3। तो इसका सही जवाब है 85/3, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 14, यदि समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल बराबर है। यहाँ एक समीकरण है के एक्स स्क्वायर माइनस 6x जो 3 बराबर 0, कह रहा है कि इसके मूलों का योग यानी माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ माइनस बी हो जाएगा कितना, 6 बाई के, तो 6 बाई के ये बराबर हो जाएगा 3k बाई के, यहाँ देखिए 3k बाई के, तो अब ये के से के कैंसिल हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 6/2, और ये ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका सही हो जवाब होगा आपका नॉट, NOT, यानी नन ऑफ दीज। यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपका कितना, 2, और 2 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा आपका, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3k बराबर 0, तो हम लोग जानते हैं इसके मूलों का योग तथा गुणनफल बराबर है, तो योग बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6/k, और सी हो जाएगा 3k/k, तो 3 हो जाएगा, तो k बराबर 2 होगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या आपका 15, 4 - 4 किस पाद में है। तो 4 - 4 चतुर्थ पाद में है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, चतुर्थ पाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, दो पूर्णांक ए और बी सहभाज होंगे, यदि उनका HCF 1 हो तो अभी उसको सहभाज कहते हैं, इसलिए सही जवाब होगा 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, एक्स स्क्वायर जोड़ 1 + x² बराबर 14 हो तो x + 1/x का मान होगा, तो आप x + 1/x का होल स्क्वायर निकालेंगे, और ये निकालने पर आपको x² + 1x² + 2 = 14 आ रहा है, इसलिए आपका ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो 16, यानी 4 आएगा इसका आंसर, तो सही जवाब हो गया आपका डी, 4 ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक 18 कि एक त्रिभुज के दो शीर्ष एवं केंद्रक का निर्देशांक दिया गया है, ये दो शीर्ष है और केंद्रक का निर्देशांक है, तो आप दो शीर्ष से तीसरे शीर्ष को एक्स वाई मान लीजिए, और जो फार्मूला है x1 + x2 + x3/3, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो आपका आंसर आएगा -5 - 9, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको इसमें चूज करना है जिसका पावर 2 हो और वह मैक्सिमम पावर हो, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, ये जो है आपका एक द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। देखिए 1/α + 1/β को सोल्व करते हैं हम लोग, तो α + β/α × β आता है, तो α + β यानी मूलों का योग यहाँ क्या हो जाएगा 3, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा -1, तो 3/-1 यानी कि -3, और ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, इसलिए सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार स्थान होगा।
तो देखिए दशमलव पर सार शांत होने के लिए डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करें उसमें केवल दो और पांच आना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी में जो है 3/15 है, तो 3 से 15 कैंसिल होगा और यहाँ आ जाएगा 5, तो 3/5 होगा, इसलिए सही जवाब होगा आपका डी। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या आपका 22। एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का वाई नियामक, तो एक्स पर कोई बिंदु है उसका वाई निर्देशांक जो है वह 0 होता है, इसलिए सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 आपके स्क्रीन पर। यदि 2/3 और ए और फिर 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो ए का मान निकालना। तो ए का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों एपी में है तो दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म बराबर दूसरा, तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, तो इस तरह से ए माइनस 23 बराबर 2 माइनस ए, तो 2A बराबर ये हो जाएगा आपको, ये उधर जा करके ऐड हो जाएगा, तो 8/3, तो ये हो जाएगा 4/3, तो सही ऑप्शन होगा आपका बी 4/3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या जो है वह 2 होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3x²-5x+2 के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, इसलिए सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इनको कह रहा है कि इनका जो ग्राफ हो ये होगा वह प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा, समानांतर होगा, कौन सा होगा। तो पहले हम a1/a2 और b1/b2 निकालते हैं, तो 2/4 और दूसरा आ रहा है -+3/4, तो 2/4 और 3/4 इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेखाएं जो है वह प्रतिच्छेदी होंगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। समीकरण x²=4 का हल समझ, तो x²=4 है, तो x±4 हो जाएगा और इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। समीकरण x²+7x+8, समीकरण x²+7x+8 के मूलों की प्रवृत्ति है, तो यहाँ भी डी निकालेंगे, तो 7 × 49 - 32, यानी 49 में से 32 को घटाएंगे एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, इसलिए हमारा सही जवाब होगा मूल वास्तविक और असमान, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ। 30 नंबर प्रश्न है, एक एपी है और इस एपी का पहला पद 3 है, फिर 7 है, 11 है, 15 है, का कौन सा पद 43 है, तो क्या करेंगे हम, इसमें ए बराबर लिखते हैं 3, डी बराबर हो जाएगा 7 - 3 यानी 4, और इसका कौन सा पद 43 है, तो मान लेंगे एनवा पद जो है वह 43 है और इस तरह से एन का वैल्यू आ रहा है 11, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 11वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किसी एपी का पहला पद 2 और सार्व अंतर 3 हो, तो 8वां पद, तो 8वां पद निकालने के लिए a+7d, तो पहला पद 2 है और 7 × 21 = 23 हो जाएगा, इसलिए आपका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके स्क्रीन पर। बिंदु 2-3 की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0-0 हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर - 3 जोड़ 3 का स्क्वायर, 2×2=4, 9×4=13, यानी कि √13 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। एक एपी दिया गया है, इसका सार्वंतर, तो सार्वंतर किसी दो लगातार पद का अंतर कर देंगे, तो 6 में से 3 घटेगा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं, तो दो अंकों वाली संख्याएं 10 से शुरू होती हैं, लेकिन 3 से विभाजित संख्याएं 12, 15, 18 और 99 तक जाएंगी, और इस तरह से n का मान हम निकालते हैं और n का मान आता है 30, यानी कि दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 30 हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया गया है -5, 12, इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है, तो -5, 12 की मूल बिंदु से दूरी आपको निकालना है, तो 25 × 12=144, 25 × 169 का वर्गमूल 13 हो जाता है, इसलिए सही जवाब होगा सी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। यदि एक बिंदु तीन बिंदु यहाँ दिए गए हैं और तीनों असंरेखीय हैं, तीनों जो है वह संरेखीय हैं माने एक ही रेखा पर हैं, तो आपको के का मान निकालना है। तो के का मान यहाँ 6 आएगा, इसलिए सही जवाब होगा आपका डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। मूल बिंदु का नियामक, तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, इसलिए सही जवाब होगा बी 0 0। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर बिंदु -7 -3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए दोनों निगेटिव थर्ड चतुर्थांश में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। वाई अक्ष से 5 इकाई दाई ओर, वाई अक्ष से 5 इकाई दाई ओर, एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी स्थित है, तो पी का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर है तो वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा और 10 इधर 5 इकाई तो 5 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और आज का अंतिम और 40वां प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 जिसे आप बोलेंगे, और ये आज का अंतिम सवाल है। निम्न में कौन बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में एक्स जो है वह निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो आपका सही जवाब होगा C -5 और 3। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 40 प्रश्नों को आज हल किया और सभी के उत्तर यहाँ दिए गए हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ से भी आप उत्तर मिलान कर सकते हैं। और चलते चलते यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक ज़रूर करें और अपनों में दोस्तों में शेयर करते रहें ताकि सबकी तैयारी होती रहे, और हम प्रतिदिन इस तरह के उपयोगी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक ओके, बाय, फिर मिलते हैं।